शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अभय को कैसे संभालेंगी जब अपने दिमाग को समझा ही नहीं पा रही। दीदू की ना यही गलती, ना वो पहले किसी की सुनती थी और ना अब किसी की सुन रही है। देखिए कितनी जोर से बटन बटको ही टूट जाएंगे। मैंने क्या किया? नहीं, कुछ नहीं किया वरुण जी। तो फिर किसका गुस्सा निकाल रहे? दीदू का। अरे अब श्रद्धा ने क्या किया? क्या किया, क्या नहीं किया अपने साथ? तप कर करके अपनी हालत खराब कर रही, अंगारों पे चल के अपना पाव जला लिया, मंदिर में सेवा करके बेहोश हो गई थी। और क्या हुआ इन सब से? अभय होश में आ गया? नहीं ना, तो समझ क्यों नहीं रही है कि ऐसे करके अपने आप को तकलीफ देके अपने आप को जला के कुछ नहीं होगा। आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? अब आपके लिए भी हम ही गलत है, यही बोलिएगा? ठीक है, दीदू ही सही है। देखो ना, तुम गलत हो ना ही श्रद्धा सही है, पर तुम्हें श्रद्धा के लिए इतनी चिंता करते हुए देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो कीर्ति, मैं जानता हूं कि वो जो भी कुछ कर रही है उससे शायद कुछ ना हो, पर भगवान पे तो विश्वास करती हो ना? बस तुम देखना, एक ना एक दिन भगवान उसके तप का फल उसे जरूर देंगे। कब? जब वो अपनी जान दे देंगी तब? नहीं, हमसे ना अभी और बर्दाश्त नहीं हो रहा। हम आज ही दीदू से बात करें। हाँ, उठिए अभय। अब तो उठिए ना अभय, गिर गए हैं आप, चोट लग गई है आपको, तकलीफ हो रही है। अगर दर्द हो रहा है तो बोलिए ना मुझे, डांटिए ना कि मैं आपको संभाल नहीं पा रही हूँ। कब तक संभालूं मैं आपको अभय, जबकि वो आप हैं जो मुझे संभालते। प्लीज अभय, आप छोड़िए ये सब, आप उठिए, प्लीज प्लीज उठिए। बहुत मजा आ रहा है ना आपको मुझे इस हालत में देखकर, जान बुझ के कर रहे हैं ना आप ये सब। लीजिए अभय, मैं हार गई, अब तो उठ जाइए प्लीज। हमारी दीदू कभी जिंदगी से हार ही नहीं सकती, हम ऐसा होने ही नहीं देंगे। मैं क्यों कीर्ति, मैंने अकेले नहीं संभाल पा रही थी। अब अकेले ये सब कब तक सहती रहेंगी? क्या कहना चाह रही है तू? हम बस कह रहे, अरे आप तो ये सब कर रही हैं दीदू, अभय को कोमा से बाहर निकालने के लिए। आप अपने आप को इतनी तकलीफ दे रही है ऐसे ऐसे तप करके, क्या हुआ, कोई सुधार दिख रहा है आपको? नहीं ना, और होगा भी नहीं। कीर्ति, दीदू बस, अब आप सुनेंगी और हम बोलेंगे। दीदू डॉक्टर ने कहा है ना कि अभय अब अभी होश में नहीं आएगा, कहा है या नहीं? हाँ कहा है डॉक्टर ने, लेकिन मैं उम्मीद नहीं छोड़ सकती कीर्ति, क्योंकि मैंने देखा इन्हें पलके झपकाते हुए। इसका मतलब ये है कि ये मुझे सुन सकते हैं, मुझे महसूस कर सकते हैं, बस बस ये सबके सामने नहीं कर रही है। दीदू ये आपका पागलपन है, बस करिए अपना पागलपन। हम कैसे समझाएं आपको, आपको ऐसे देख के ना हमें डर लगता है। दीदू दीदू आप अपने बारे में कब सोचेंगी? अपने बारे में ही सोच रही हूँ कीर्ति, और इसीलिए मैं अभय को ठीक कर रही हूँ। मेरी जान बसती है अभय में,
और इन्हें ठीक करने के लिए मुझे जो करना होगा मैं वो सब करूंगी, चाहे मुझे कितना ही तब क्यों ना करना पड़ जाए। प्यार का जुनून हम समझते हैं, पर ये पागलपन है दीदू। दिल के सामने ना आप अपना दिमाग खोती जा रही। अभय को ऐसे बेजान देख के आप ये भूल गई हैं कि आप जीती जागती हैं। जबान संभाल के बात कर कीर्ति, क्या गलत बोल रहे हैं आप? दीदू आप अपने बारे में सोचिए, सिया और सानवी के बारे में सोचिए। अरे आप तीनों की तो पूरी जिंदगी सामने पड़ी है। दीदू हम आपको कह रहे हैं आप ना आप दूसरी शादी कर लीजिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? जब तक अभय की सांसें चल रही है ना तब तक मेरी सांसें चल रही है। मेरी जान बसती है अभय में। हम एक जान है, हमारी किस्मत की लकीरें एक है। और तू इसे तोड़ने की कोशिश भी मत करना, समझी? मैंने कीर्ति पर हाथ उठा के, वो तो बस मेरी चिंता में वो सारी बातें कह रही थी। मुझे उससे बात करनी चाहिए। किसी को आपकी चिंता नहीं है, पर हम आपकी बहन है, हम आपको ऐसी हालत में नहीं देख सकते। कीर्ति से काम नहीं चला कि दूसरा भी मारने आ गई। लीजिए लीजिए मारिए, पर दीदू हम आपसे माफी नहीं मांगेंगे। सुना आपने? करते करते ये उठ के खड़ा हो गया तो मैं लेट जाऊंगा। इसको मैं अकेला नहीं छोड़ सकता। छोड़िए, हमें आपसे बात नहीं करनी। मुझे माफ कर दे कीर्ति, इस तरह से मुझे तुझ पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। सॉरी। आप तो हमेशा सही होती है ना, तो क्यों मांग रही है हमसे माफी? क्या हुआ है कीर्ति? ऐसे प्लीज गुस्सा मत कर। देख तुझे अगर मुझे सजा देनी है ना तो दे मुझे सजा, लेकिन इस तरह से मुझसे बात करना बंद मत कर। वो भी तब जब मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बस हम ही सुने आप, पर आप कभी मत सुनना हमारी। सुनना पड़ेगा तुझे इस बार भी, क्योंकि मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है कीर्ति। ऐसी क्या बात करनी है आपको?
बात यहाँ तक पहुँचे कि तुम उठ के मेरा गला दबाओ, उससे पहले आज मैं तुम्हारा दम घोट के ये किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। बोलिए क्या बात है? आपको देखिए ना, हमें लग रहा है कि आपके दिमाग में कुछ चल रहा है। बताइए हमने क्या किया है। आ जाओ वहाँ बैठ। चल कीर्ति, तूने कभी सोचा है जब भी तू खाली बैठती है तो तेरा ये शैतानी दिमाग कितना तेज दौड़ने लग जाता है? क्या मतलब है आपका? देख कीर्ति, तू मुझे गलत मत समझना, मैं बस तुझे ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब भी तू खाली होती है ना तो तू ऐसा कुछ सोचने लगती है या फिर तू कुछ ऐसी हरकत करने लग जाती है जिससे सामने वाले को बहुत तकलीफ पहुँच सकती है। लेकिन हाँ, अगर तू कुछ अच्छा करने की सोचती है ना तो तेरा यही शैतानी दिमाग एक झटके में उसका हल निकाल लेता है। समझ रही है मैं क्या कह रही हूँ? जरा भी नहीं। आप हमारी तारीफ कर रही हैं या हमारी बुराई कर रही हैं, मैं समझ ही नहीं आ रहा। अरे बुद्धू, मैं तेरी तारीफ कर रही हूँ। तूने कुणाल के उस झूठ को कैसे एक झटके में पकड़ लिया? राज और रागिनी को जेल तक पहुंचवा दिया तूने। कीर्ति, अगर तू कुछ सही करने को चले ना या फिर कोई सही रास्ता चुने तो फिर तुझे कोई नहीं रोक सकता है। दीदू, आपको पता है ना कि हमने पहले भी कोशिश की है, मॉडलिंग करना चाहा पर हो नहीं पाया। शायद किस्मत साथ नहीं थी। फिर नौकरी भी करनी चाहिए, वो भी नहीं कर पाई। शायद किस्मत में ही हमारे। कीर्ति, मैं ना तुझे एक सीधा सीधा सुझाव देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है ना कि तुझे यूपीएससी के लिए तैयारी करनी चाहिए। यूपीएससी? दीदू अभी क्या कह रही है? अरे कीर्ति, इसमें गलत क्या है? दीदू, यूपीएससी निकालना कोई बच्चों का खेल नहीं है, सालों लग जाते हैं। क्या बोल रहे हैं आप, हमसे नहीं हो पाएगा? कैसे नहीं हो पाएगा? कीर्ति, मैंने तुझे बचपन से देखा है, तू हमेशा से इतनी चुलबुली रही है लेकिन फिर भी स्कूल में कॉलेज में हमेशा फर्स्ट आती थी। दूसरों से आगे रहने का जुनून हमेशा से था तेरे अंदर, और तू तो मुझसे भी अच्छे नंबर लेके आती थी। और मुझे तो पूरा यकीन है कि एक बार अगर तूने मन बना लिया ना तो तू यूपीएससी भी कर जाएगी। नहीं 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 नहीं, नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, नहीं। अरे कीर्ति, इस बारे में एक बार सोच के तो देख। अरे पहले आप अपने बारे में सोचिए, अपनी जिंदगी सुधारिए, फिर हमारी जिंदगी को पटरी पे लाइएगा। दीदू, हमें माफ कर दीजिए, हमारा वो मतलब नहीं था। पर आप समझने की कोशिश करिए ना, वो जमाना कुछ और था, अब हम एक बच्चे की माँ हैं, अभी ये सब हमसे नहीं हो पाएगा। कुछ नहीं कर पा रहे हूँ, बस लाश बने लेटे पड़े। कोई बात नहीं साले साहब, मैं हूं ना तुम्हारा परिवार, मैं दूंगा तुम्हें मुक्ति इस दर्द भरी बेजान जिंदगी से। तकिया तुम्हें अभय के सर के नीचे रखे गई थी, फिर ये यहाँ कैसे? यार
मैं भी अंधा हो गया हूँ इस घर के बेवकूफों के बीच में रह के। तकिया तो सही जगह पे वापस लगाना था। अब है आपको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है ना? और ये आपकी आंखें इतनी लाल कैसे हैं? श्रद्धा जी, बुआ जी, क्या हुआ? हर हाल में मुस्कुराने वाली हमारी श्रद्धा के चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? बताओ। बुआ जी, जब मैं यहाँ से गई थी ना, तो वो तकिया अभय के सर के नीचे रखा था, और जब वापस आई तो देखा कि वही तकिया वो वहाँ बगल में रखा हुआ है। मुझे डर लग रहा है कहीं मेरे गैर मौजूदगी में कोई आया तो नहीं था, कोई अभय को नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाह रहा है। श्रद्धा, हम तुम्हारा क्या करें? तुमने अपने दिमाग को इतना शक्की बना लिया है कि तुम्हें अब चिड़िया भी बाज नजर आने लगी है। सब अजीब ही लगेगा ना, घर में हम सब हैं, पिछली बार की तरह नहीं कि घर के सारे लोग एक जगह पर बैठे हो। अगर कोई आता या जाता तो हमें से किसी की तो नजर पड़ती, हमें तो पता चलता। श्रद्धा, अगर तुम ऐसे ही परेशान होती रही और सोचती रही ना, तो तुम्हें भूलने की बीमारी हो सकती। इसीलिए तुम ज्यादा सोचोगी नहीं और चिंता बिल्कुल नहीं करोगी। सब कुछ ठीक है। कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं आया था। दीदू, जल्दी आइए। क्यों चिल्ला रही हो? अब श्रद्धा ने क्या कर दिया? अरे बोलो ना। दीदू, आप बिना हमसे पूछे हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? अरे क्या हो गया है भाई, बताओगे भी? दीदू ने हमारे मना करने के बावजूद बिना हमसे पूछे हमारे खिलाफ जाके इन्होंने हमारे नाम का यूपीएससी एग्जाम फॉर्म भर दिया है। क्या श्रद्धा, यूपीएससी और कीर्ति? एक मिनट मम्मी, वो ये कर पाएगी या नहीं ये अलग बात है, लेकिन तुम ये बताओ कि तुमने अचानक ऐसा सोचा क्यों? वरुण जी, मैं कीर्ति को बचपन से जानती हूँ। उसका जिस काम में मन लग जाता है ना, उसे वो अपनी जिंदगी बना लेती है, और ऐसा काम जो कीर्ति के लिए भी कितना सही है, इससे बेहतर और क्या हो सकता है? और हम सब अभी तक सिर्फ कीर्ति के इस चुलबुले स्वभाव के बारे में जानते थे, लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि कीर्ति इतनी चुलबुली होने के बाद भी कॉलेज में उसे सबसे ज्यादा नंबर आते थे? अरे उम्र हो गई है इसकी, एक बच्चे की माँ है, अब क्या सबको छोड़ छाड़ के ये पढ़ाई करेगी? मम्मी जी, पढ़ाई करने की कोई बंधी हुई उम्र नहीं होती है, और यूपीएससी देने के लिए 21 से 32 साल की उम्र होनी चाहिए, ये सब मैंने पहले ही देख लिया है। देखो, श्रद्धा ने बिल्कुल सोच समझ के किया है, पेपर वर्क भी बिल्कुल देख लिया है, तो इसमें हर्जी क्या है? क्यों बेटा? बहुत हर्ज है चाचा जी, यूपीएससी नहीं नहीं हम कैसे करेंगे यूपीएससी की पढ़ाई? आपने किताबें देखी है? इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, ऐसी मोटी किताबें उठाए जमाना हो गया है, अब तो ज्यादा से ज्यादा वो 11 की किताबें उठाते हैं, यूपीएससी हमसे नहीं हो पाएगा। हाँ भाभी, कीर्ति भाभी वैसे ठीक कह रही है, इतनी मुश्किल होती है यूपीएससी की पढ़ाई, वो कैसे कर पाएंगी? वही तो हम इन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तो हमसे नहीं हो पाएगा। कीर्ति सुन, तुझे इतना डर क्यों लग रहा है? और अगर चल तुझे डर लग रहा है ना, तो हम सब है ना, मैं मदद कर दूंगी तेरी। मैं हूँ ना, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। अरे पढ़ाई में मैं इतना भी बुरा नहीं था कि तुम्हारी इस एग्जाम में मदद ना कर पाऊँ।
लो बताओ, कीर्ति रानी से सीधा अफसर साहिबा कीर्ति त्रिपाठी। ये नाम सुनने में ही कितना भयानक। दमदार, हम कहना चाह रहे थे कि कितना दमदार लग रहा है सुनने में। वाह बुआ जी, आपको तो बस मौका चाहिए हमें ताना सुनाने का। देखिए अब बुआ जी भी हमारा मजाक उड़ा रही है। अरे रितु बस भी कीजिए, वैसे श्रद्धा ये बहुत बड़ा फैसला है, हम कीर्ति की भावनाएं समझ सकते हैं, इनसे नहीं हो पाएगा। ताई जी अगर कीर्ति कोशिश ही नहीं करेगी तो हम सबको ये कैसे पता चलेगा कि हमारी कीर्ति कितनी काबिल है। और मुझे तो कीर्ति पर पूरा भरोसा है कि ये सिर्फ यूपीएससी एग्जाम के लिए बैठेगी ही नहीं बल्कि उसे पास भी करेगी। और हम सबको इसकी मदद करनी शुरू करनी चाहिए ना, कितने कम दिन रह गए एंट्रेंस एग्जाम में, हमें अभी से ही मेहनत शुरू करनी पड़ेगी। तानी बुआ अभी तक तो रिजल्ट आ जाना चाहिए था, तानी क्या हो रहा है? कीर्ति त्रिपाठी तुमने असंभव को संभव कर दिखाया, कीर्ति यूपीएससी के इम्तिहान में पास हो गई। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।